जब समझो तो बुद्ध, जब करो तो बुद्ध, ऐसे से होता है। जैसे उसमें भी स्टेज होता है ना सर, बना के देते हैं। बिना बुद्ध हुए कि बोधिसत्व कैसे बने? बोधिसत्व का अर्थ होता है वो जो कहे कि मुझे सबकी मदद करनी है, परिणाम नहीं है। पर उसको तलों में बांट दिया गया है, कहा गया है कि बोधिसत्व से ऊपर होता है बुद्ध। बोधिसत्व को भी एक सीढ़ी और चढ़नी है, पर वो यज्ञ का ही बंटवारा है, ऐसी किसी बंटवारे की जरूरत नहीं है। सर आपका एक कोड है, सोच को सच मत मान लेना। सोच को सच मत मान लेना। सच को आज तक किसी ने सोचा नहीं, नहीं समझ लगेगा। जो भी सोचोगे वो सोच होगी ना, वो चीज होगी, पदार्थ हो, घटना हो, व्यक्ति हो। छोटा सा टुकड़ा हो, कंशी सत्य समूचा होता है टोटल। सोचने की सीमा ये, सोचने की हद ये कि वो हमेशा टुकड़े टुकड़े होती है, टुकड़े कोई सोच सकती है, टुकड़ा से आगे नहीं जाती। समूचा सोच में समापन नहीं है। तुम पंखा है इसके बारे में सोच पाते हो क्योंकि इसकी कुछ सीमा नहीं है। ये जो दीवार पर है इसके बारे में सोच पाते हो क्योंकि ये सफेद है और इसके अंत में ये काला काला है, तो इसका बॉर्डर है, तो इसकी सीमा है। सीमा होनी जरूरी है, अन्यथा तुम सोच नहीं सकते। ध्यान से देखना, तुमने जिस भी विषय में आज तक सोचा है उसकी सीमा है कि नहीं। सिर्फ सीमित को ही सोचा जा सकता है और सत्य असीमित है। असीमित क्यों? क्योंकि अगर उसकी सीमा बांध दी तो उससे बाहर क्या है? फिर बाहर क्या है? सत्य माने जो है, सत्य माने जो है उसी को सच्चाई कहते हैं, जो होता है उसे सच्चाई कहते हैं। और जो है उसकी सीमा तो नहीं हो सकती ना, अगर सीमा है तो फिर उसके आगे क्या है? तो इसलिए कहा सच को सोचना नहीं कर सकता। तो टुकड़े टुकड़े बता सकते हैं अपने दिमाग से, कोई पूरा नहीं बता सकता। आसमान की विषय नहीं सोच रहे थे, बिल्कुल तो आसमान की छवि के विषय में सोच सकते हो। छवि के साथ अगर कोई भी लड़ रही हो तो आसमान का चित्र नहीं बना रहे क्या? फोन कैमरा लो और आसमान की ओर के फोटो खींच लो, बिल्कुल खींच सकते हो। पर वो क्या होगी? वो क्या होगी? टुकड़ा। कुछ मुझे ऐसी फोटो भी दिखा जिसमें समूचा आसमान समा गया है। कोई तैयार कोई ऐसे चित्र भी बनाना जिसमें समूचा आसमान तुम दिखा रहे हो, दिखा सकते हो? टुकड़ा।
क्योंकि हम टुकड़े हैं ना, इसीलिए हमारे सामर्थ्य भी टुकड़े के समान है। बोलो बोलो बोलो। बेटा ऐसे ही समझते हैं कि मैं जान गया हूँ कि कोई चीज चौकोर है, गोल कहना है तो कैसे कहेंगे? जब जान रहे हो चौकोर है तो गोल क्यों कहना चाहते हैं? तो जान रहे हो प्रतीक्षा परिवर्तन है, तो अब तो उसे आइडेंटिटी कैसे दे सकते हो? या दो व्यक्ति तुम्हें पता होगा एक काम करा हुआ, बस यूं ही दे दिए, दुनिया का काम ऐसे ही चलता है नामों से, तो यूं ही एक नाम दे दिया है। नहीं तो अब तो समझ रहे हो ना कि ये कोई ठहरी हुई रुकी हुई स्थिर चीज है ही नहीं, ये कोई एक चीज है ही नहीं, जो भी दिख रही है अगले ही पल दूसरी है। तो जो कुछ मैं इसे समझो ताजा ताजा ही समझो तभी ठीक है, वरना अगर मैंने पिछले पल वाली बात इस पल भी कर दी तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये चीज जो पिछले पल थी वो अब है नहीं। पांच मिनट पहले तुमने ध्यान से सुन लिया, उससे क्या अभी जो कह रहा है वो समझ में आ जाएगा? हर पल ध्यान को तो ताजा ही होना पड़ेगा, नया होना पड़ेगा, जिंदगी ऐसी ही है। जरा सा भी पुराने से काम नहीं चलता, पुराना बचते ही नहीं, पुराना कैसे चलेगा? पुराना बचता ही नहीं है, इसीलिए आज किसी ने याददाश्त पे जरा कम जोर रखा। जिंदगी के पेपर में सवाल दोहराए नहीं जाते, ताजे ताजे सवाल आते हैं। सर अगर याददाश्त को पढ़ाने तो याददाश्त पढ़ानी है। हाँ याद करने की कोई जरूरत नहीं कि बैठ के घंटों पढ़ रहे हो। चिप में सीधा डेटा फीड किया जा सकता है। आगे हम लोग कहाँ चलो? वो दिन गए, बच्चे बैठ के घट रहे हैं। तो एक हम दो 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 चार कितने कितने साल इसी में बीतते हैं, क्या करने में रटने में, वो सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जितना डेटा चाहिए वो लाके सीधे फिट ही कर दो ना, क्या फालतू बैठ करके समय खराब कर रहे हो, रट रहा है 15 x 15। घटिया काम कोई कीमत नहीं है, बस समय खराब होता है इसमें। पहाड़ी रटने में कुछ रखा है, डेटिंग तो फील हो रहा है, कोई उससे तुम्हारी समझ तो विकसित हो नहीं रही, हो रही है। तो भला है इसको रट ही डाल रहे हो,
बैठने से मुक्त ही हो जाओ। क्यों बना दिया दुनिया और ज्यादा ऐसी होती जा रही है तुम्हें आकाश की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को याद नहीं रखना है। जितने काम इंसान को याद रख के करने होते थे उन सब के लिए गूगल है, विकिपीडिया है, इंटरनेट है, तुम्हें याद नहीं रखना है। अच्छा है, काम भूल गया होगा, सांस में नहीं भूल जाए। अगर मुझसे बात कर रहे हो तो बात करना तो नहीं भूल गए, जो जरूरी होता है वो याद रहता है। काम ही ऐसा हो गैर जरूरी तो मन खुद ही इसको दरकिनार कर देता है, उसको बुराई नहीं है, अच्छी बात बात तो करना भूल जाएगी। लेकिन सर जब दवा लेना हो तो तब भी लोग भूल जाते हैं, वो तो जैसे भी जाते हैं। तुम्हें जोर का दर्द हो रहा है तो बिना भूल के दवा ले। जो वास्तव में जरूरी होता है या वास्तव ऐसा नहीं होता है, या वास्तव में और चेतना में अंतर होता है। जो वास्तव में जरूरी होता है वो चेतना की प्रक्रिया है, यादाश्त के तौर पर जरूरी रखना होता है वो हमेशा वो बात है जो जरा कम जरूरी है। अभी बैठ के मुझे यादाश्त के तौर पर ये याद रखना है कि इतने बजे तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन चेतना से मुझे वो सब करना है जो मैं अभी कर रहा हूँ, वो ज्यादा जरूरी क्या है? ये याद रखना है कि मैं कितने मुझे छोड़ना है या फिर भाग जो मैं उत्तर दे रहा हूँ। एक बार तो मैं भूल भी गया कि तुम्हें कितने बजे छोड़ना है तो ये बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट पहले से तो आपको छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेरी चेतना साथ ना दे तो फिर अभी ये बातें कह रहा हूँ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये बातें यादाश्त से नहीं आएंगी। यहाँ से सवाल आया, ये सवाल बता हुआ ना पहले से तो नहीं पता था ना, जहां से सवाल आया उसको चिंता है।